बिहार तेरी माटी बड़ी महान, जय बिहार जय जय बिहार तेरी माटी बड़ी महान। ऋषियों ने कहा वेदों ने लिखा वे मोतिया गुणगान, जय बिहार जय जय बिहार तेरी माटी बड़ी महान। तू है भारत की शान। नमस्कार, मैं अभिषेक राज आप सबका स्वागत करता हूँ बिहारी माटी में। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलन हाई स्कूल कैंपस मैदान में, जहाँ कल भारतीय जनता युवा मोर्चा का महासम्मेलन होने वाला है। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं बाकीपुर विधायक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष नितिन नवीन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी माटी में। हम भाई बताइए। धन्यवाद सर। आपसे पहला सवाल ये है कि कल जो युवा मोर्चा महासम्मेलन होने वाला है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, विजय लक्ष्य 2019 का जो हमारा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि 2019 में पुनः मोदी सरकार बने, और जिस प्रकार से देश के विकास में, जिस प्रकार से देश के हर वर्ग के विकास में, समाज का कोई भी वर्ग हो उसके विकास में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने काम किया है, पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश को केवल गरीबी दिया और कुछ नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों की सरकार थी और गरीबों के लिए किया। ऐसे कई कल्याणकारी योजना है जो गरीबों के आँख के आंसू को पोंछने का काम किया। तो निश्चित रूप से जहाँ युवाओं को रोजगार के नए सृजन नज़र आए, जो जॉब सीकर्स हैं वो जॉब क्रिएटर नज़र आए, तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से युवाओं में एक आशा का वातावरण बना है और देश का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, तो इन सब चीज़ों को लेकर बिहार का युवा उत्साहित है। और इस युवा विजय लक्ष्य सम्मेलन के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने के लिए बिहार का युवा संकल्पित होगा। कल यहाँ पे भाजपा के कौन कौन से वरिष्ठ नेता देखने को मिलेंगे? देखिए, कई हमारे वरिष्ठ नेतागण आने वाले हैं, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के कई मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के कई बड़े नेता हैं, साथ में अपने पूनम महाजन राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा वो भी आने वाली हैं, और कई सुधांशु त्रिवेदी जो अपने राष्ट्रीय मंत्री हैं वो आने वाले हैं। ऐसे कई लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पे हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहारी पार्टी में। धन्यवाद। आपसे पहला सवाल ये है मेरा कि कल जो महासम्मेलन होने जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये विजय संकल्प महासम्मेलन है, इसमें हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने जा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश से आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इस तभी तमाम तरीके के जो ये वाद हैं, इनको समाप्त करके एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए जिसने संकल्प लिया और उसको अपने इन 4.5 वर्षों में पूर्ण करके दिखाया, ऐसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने इस देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, ऐसे व्यक्ति को हम लोग एक बार पुनः प्रधानमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। उस विषय को लेकर के हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर संकल्प लेने वाले हैं। कल जो महासम्मेलन होने जा रहा है युवाओं के लिए, तो युवाओं का आगे जाके क्या बेनिफिट मिलेगा? युवाओं को इस कार्यकाल में भी जो उनके जो अधिकार हैं वो अधिकार मिले हैं, और उन्हीं अधिकारों को और मजबूती के साथ में अगले कार्यकाल में भी हम बढ़ाएंगे, हमारी सरकार बढ़ाएगी, हमारे प्रधानमंत्री जी बढ़ाएंगे। नित्य प्रतिदिन जिस प्रकार से इस देश के नौजवान आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, इस देश का जो नौजवान है पूरी दुनिया में अपनी बुद्धिमानी के साथ में अपनी कीर्ति फैला रहा है, उसी को बल देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और आगे भी ये करते रहेंगे। धन्यवाद। कैमरामैन विशाल भारद्वाज के साथ अभिषेक राज।